हमारा स्केप जो है ना वो एक साइड से घिस चुका है, हल्का घिस चुका है, क्या आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोशन स्केटर। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप स्केट्स के व्हील्स को घिसने से कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देख सकते हैं गाइस, हमारा स्केट वो एक साइड से घिस चुका है, हल्का घिस चुका है, क्या आप देख सकते हैं। थोड़ा नज़दीक कीजिएगा, ये यहाँ पे हल्का से देखिए, यहाँ पे घिस चुका है। और इस स्केट में आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये एक साइड से घिस चुका है। तो इसे घिसने से बचाने के लिए आज हम इसके व्हील्स को आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। तो चलिए, कुछ इस पोजीशन में रख देना है और इस व्हील्स को इस व्हील्स के अपोजिट रखना है, इसको उठा के यहाँ रखना है और इसको उठा के यहाँ पर रखना है, और फिर इस वाले व्हील्स को यहाँ पर से यहाँ उठा के यहाँ पर रखना है और इसको यहाँ पर रख देना है। फिर नेक्स्ट इस दोनों को आपस में एक दूसरे से चेंज कर देंगे कुछ इस तरह से। तो हमारा व्हील्स देखिए चेंज हो चुका है कुछ इस तरह से। तो आप लोग को भी अपने स्केट्स को घिसने से बचाने के लिए कुछ इस तरीके से ही उसके पोजिशन को चेंज करना है। तो चलिए आप इसको वापस से लगा देते हैं। और गाइस, एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने स्केट में व्हील्स को लगा रहे होंगे तो ये ध्यान रखना है कि जो साइज घिसा हुआ है उस साइड को आपको दूसरे तरफ रखना है। मतलब कि जैसे कि ये हमारा राइट पैर का जूता है, तो ये जो व्हील्स है ये घिसा हुआ ये पहाड़ के साइड रहेगा और जो नहीं घिसा हुआ है वो अंदर के साइड रहेगा, कुछ इस तरह से। ये घिसा हुआ वाला साइड बाहर की तरफ रहेगा, ध्यान रखना है।